उत्तराखंड में नए नवेले मुख्यमंत्री आए हैं। आप उनका नाम तो अब तक जान ही गए होंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों उन्होंने बहुत से टेढ़े मेढ़े बयान दिए हैं, या यूं कहें कि वो बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही इधर उधर निकल गए। इन बयानों के चलते वो लगातार सोशल मीडिया और मीडिया पर छाए हुए हैं। इनका नाम है तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने के बाद जब से तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड सीएम पद की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें जैसे ऊटपटांग और बेहद अपमानजनक बयान देने का लाइसेंस मिल गया है। तीरथ सिंह रावत कभी लड़कियों और महिलाओं के कपड़ों को असंस्कारी बताते हैं, तो कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार। कभी उन्हें लगता है कि लड़कियां कॉलेज में पढ़ाई करने नहीं बल्कि अपना बदन दिखाने जाती हैं। अब तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के प्रति एक और बेहद अपमानजनक बयान दिया है, जो सीधे तौर पर आपको अपमानजनक से ज्यादा महज मूर्खतापूर्ण लगेगा। लेकिन अगर आप इस पर गंभीरता से सोचें तो ये एक अकेला वाक्य आपको डर से भर सकता है। दरअसल तीरथ सिंह रावत 21 मार्च को रामनगर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बातें चल रही थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान कम बच्चों वाले गरीब परिवारों को कम सरकारी राशन मिला। इसके जवाब में रावत ने कहा कि अगर गरीब परिवारों को ज्यादा राशन चाहिए तो उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए थे। रावत ने गरीब परिवारों को 20-20 बच्चे पैदा तक करने तक की नसीहत दे डाली है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया। जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, हाथों को बार बार धोने का काम करो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, लोगों ने किया और उसी के कारण बचे भी। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिल रहा। अब इसमें जलन काय का, जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? ये तो था तीरथ सिंह रावत का बयान। हर बार की तरह उन्होंने समस्या का बहुत ही साधारण सा समाधान खोजा है, जैसे महिलाओं को अपने खिलाफ होने वाली यौन हिंसा से छुटकारा कथित संस्कारी कपड़े पहनकर मिल सकता है। ठीक उसी तरह गरीबों को कम राशन मिलने की समस्या का समाधान ज्यादा बच्चा पैदा करने से हो जाएगा। तीरथ सिंह रावत का ये बयान कई स्तरों पर कुतर्क से भरा हुआ है। अरे आप खुद सोचें, महिलाओं की शादी करने की लीगल उम्र 18 साल है। अगर वो 19 की उम्र में भी पहला बच्चा करती है और हर बच्चे के बाद गैप रखती है, तो क्या वो 60 साल की उम्र तक बच्चे ही पैदा करती रहेगी? ऐसा हमने भी सोचा और पाया कि कहां हम लॉजिक के चक्कर में पड़ गए हैं। 20 तो सिर्फ एक संख्या है। मुख्यमंत्री जी के कहने का अर्थ तो बस इतना रहा होगा कि ज्यादा बच्चे करो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मगर क्या सचमुच ज्यादा बच्चे पैदा करने से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, खासकर तब जब पहले ही भारी जनसंख्या के नतीजे देश का एक बड़ा तबका झेल रहा है? ये बयान उन गरीबों का भी मजाक उड़ा रहा है जिनका गुनाह बस इतना है कि वो जब पैदा हुए तो सीधे गरीबी के दलदल में फंस गए। अपना गांव कस्बा छोड़कर किसी बड़े शहर में वो नौकरी करने आए, जो रोज उनके इंसान होने का ही मजाक उड़ाती है, जहां रोज उन्हें 14-14 घंटे खटना पड़ता है और फिर भी मेहनताना इतना कम मिलता है कि तरह तरह की बीमारियों से जूझते अपने शरीर का वे इलाज भी नहीं करा पाते। अगर सरकार ने पिछले साल बिना किसी योजना के अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, जिससे करोड़ों गरीबों की नौकरी चली गई, वे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर जाने के लिए मजबूर हो गए, तो क्या सरकार ने प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन देकर उन पर कोई एहसान किया है? भूख से जूझ रहे गरीब परिवारों को जलन होने लगी कि दूसरे परिवार को ज्यादा राशन मिल रहा है क्योंकि वहां बच्चे ज्यादा हैं, या फिर उन्होंने राशन इकट्ठा करके दुकानदारों को बेच दिया? एक संवेदनशील इंसान इन सवालों के जवाब ना में पाएगा, लेकिन उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री इससे बिल्कुल उल्टा सोचते दिखते हैं। पूरे मुद्दे को लेकर हमारे सामने कुछ और सवाल भी खड़े होते हैं, जिनके बारे में अपनी बात कहने के पहले सीएम साहब ने जरा भी नहीं सोचा होगा। मसलन अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाए तो बच्चों के आहार पर क्या असर पड़ेगा?
देश में फिलहाल बच्चों को किस तरह का पोषण मिल रहा है। सरकारी राशन बांटने वाला सिस्टम यानी PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहते हैं, वो कितना कारगर है। आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में बच्चों के बीच कुपोषण बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में देश में 5 साल से कम उम्र के 8 लाख बच्चे मर गए। रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले सालों में ये आंकड़ा और भी खराब हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले में पाकिस्तान, कांगो और इथियोपिया जैसे देशों ने भी भारत से बेहतर प्रदर्शन किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की साल 2020 की रिपोर्ट में भुखमरी के मामले में भारत को 107 देशों में 94 नंबर पर रखा गया है। इस लिस्ट के मुताबिक भुखमरी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों में भारत केवल अफगानिस्तान से ही आगे है। वहीं भारत सरकार द्वारा किए गए 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पता चला कि पिछले 5 सालों में देश के कई हिस्सों में पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा कुपोषित बच्चे पैदा हुए हैं। सर्वे में पाया गया कि देश भर में बच्चों की स्टंटिंग में पिछले 5 साल में कोई सुधार नहीं हुआ। स्टंटिंग का मतलब उम्र के अनुपात में कम लंबाई का होना। इसी तरह सर्वे में यह भी पाया गया कि भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों में पेट का मोटापा बढ़ा है। आमतौर पर माना जाता है कि मोटा होना खाते पीते परिवार से होना है, लेकिन मेडिकल भाषा में बच्चों के बाहर निकले पेट को कुपोषण का परिणाम कहा जाता है। इसी तरह कम वजन वाले बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इस सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। 1-2 राज्यों को छोड़कर लगभग हर जगह कुपोषण की हालत में या तो खराबी आई है या फिर उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अब आते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य पर। अगर तीरथ सिंह रावत ये सोचते हैं कि 20 बच्चे पैदा किए जा सकते हैं तो क्या एक महिला के लिए ऐसा करना संभव है? 20 तो छोड़िए, एक महिला के लिए कितने बच्चों को जन्म देना सुरक्षित है? इंडिया जैसे देश में खून की कमी और कुपोषण से जूझ रही महिलाओं के लिए 20 तो छोड़ दीजिए, क्या 2 बच्चों को भी जन्म देना सेफ है? इन सवालों के जवाब के लिए हमारी साथी लालिमा ने बात की एक्सपर्ट से। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, वीमेन की हेल्थ के स्तर पे इनफैक्ट हमें तो ओवरऑल कंट्री का देखना पड़ेगा कि हमारी कंट्री का जो स्टेटस है, कितने बच्चे को हम उस कंडीशन की शिक्षा और उसका कंडीशन का लाइफ स्टेटस दे सकते हैं, तब रख सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल हमकी एजुकेशन की, हेल्थ की और प्लस ओवरऑल एक अच्छे नेशन की बिल्डअप कराने के लिए हमें उनकी सारी जिम्मेदारियां को लेकर चलना पड़ता है। एक बच्चे को जब हम जन्म देते हैं तो उनकी सारी जिम्मेदारियां उसके मदर फादर को वो रिस्पॉन्ड करनी पड़ती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे तो 2 बच्चे हमारे जैसे नेशन में 2 बच्चे हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे हम करेंगे हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे जो पुअर सोशियो लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के जो होते हैं फीमेल्स होती हैं, वो दे आर ऑलरेडी मतलब माल नरिश्ड होते हैं, उनको डेली बेसिस पे अर्न करते हैं, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो ऑलरेडी वो डिफिशियंट होते हैं। आयरन डिफिशियंसी उनमें कॉमन हो जाती है, आयरन की डिफिशियंसी होती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर वो डाइट नहीं मिल पाता, आयरन रिच डाइट। और जो हमें, क्योंकि हमारे जो इंडियन कल्चर में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, तो दे आर ऑलरेडी डिफिशियंट इन प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड कैल्शियम, आयरन, ये सारी डिफिशियंसी होते हैं, तो हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो 2 बच्चे हमारे हैं वो नॉर्मल होने चाहिए फीमेल्स में, 2 बच्चे। जो ज़्यादा बच्चे रखेंगे तो उनके हेल्थ पे भी असर पड़ेगा और हमारी कंट्री पे भी असर पड़ेगा। जब ज़्यादा बच्चे रखेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा ब्लीडिंग के रिस्क होते हैं, बच्चे फीमेल्स के हेल्थ पे असर पड़ते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकते हैं जिसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है फीमेल्स की। फिर ज़्यादा बच्चे रखेंगे तो ओल्ड एज में और अदर रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स भी फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से जो उनका मैटरनल मॉर्टिलिटी के रिस्क है वो ज़्यादा बच्चे रखने से और इंक्रीज होते हैं। मेनली पोस्टपार्टम हेमरेज जो ज़्यादा प्रेगनेंसी आफ्टर 2-3-4 जो 3-4 बच्चे जो होते हैं उनमें पोस्टपार्टम हेमरेज, जो ब्लीडिंग डिलीवरी के टाइम जो ब्लीडिंग होती है उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण भी डेथ के चांसेस बढ़ते हैं इन मल्टीग्रेविडा फीमेल्स। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉमन होती है जो हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी जो फीमेल्स होती हैं लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग जो होते हैं,
आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जनरली प्रेगनेंसी में वेरी कॉमन होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम ब्लड सप्लाई, बच्चे को जो ब्लड सप्लाई आता है उसके लिए हमें ज़्यादा आयरन की, नॉर्मल जो फीमेल्स को जरूरत होती है आयरन की उससे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट फीमेल्स में रेगुलर जो मेंसेस होते हैं उस टाइम भी ब्लड लॉस होता है, तो दे आर ऑलरेडी डिफिशियंट इन आयरन ना, उनकी हैवी ब्लीडिंग हिस्ट्री की, बहुत सारे फीमेल्स में ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग की हिस्ट्री होती है ड्यूरिंग पीरियड, तो दे आर ऑलरेडी डिफिशियंट इन आयरन और एनीमिया होती है। मतलब जो ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा वो ये प्रोमिनेंट नहीं होते, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होते, बट सम हाउ देयर इज डिफिशियंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड दे आर एनेमिक। और इस केस में यदि वो प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में हमें और ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, तो वो ज्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये ज्यादा बच्चे होने से और हमारी जो होती है वो बढ़ती जाती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं और बढ़ते जाते हैं। तो ये सारी चीजों का मेनली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉमन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कैल्शियम डिफिशियंसी भी हो सकती है, क्योंकि लैक्टेशन में हमें उन्हें प्रॉपर कैल्शियम की, ड्यूरिंग बच्चे को जो फीड कराते हैं प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पाता है, दूध नहीं मिल पाता है, कैल्शियम रिच डाइट नहीं मिल पाता है फीमेल्स को, जो लो सोशियो इकोनॉमिक वाले स्टेटस की फीमेल्स होती हैं, तो ये सारी डिफिशियंसी फीमेल्स में कॉमन होती है। इससे पहले हमने आपको बच्चों से जुड़े कुपोषण के कुछ आंकड़े बताए, वैसे ही आपको खून की कमी और कुपोषण से जूझ रही महिलाओं के बारे में भी बता देते हैं। इसके लिए भी हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रुख किया। सर्वे में पता चला कि भारत के आधे से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधे से अधिक महिलाएं खून की कमी यानी एनीमिया से पीड़ित हैं। पूरे देश की अगर बात करें तो लगभग 40% महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं। खून की कमी से जूझ रहे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात 30% अधिक है। लगभग ऐसे ही आंकड़े भारतीय महिलाओं के कुपोषण को लेकर भी हैं। लबोलुआब यही है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे होने के नाते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को थोड़ा सोच विचार कर बोलना चाहिए। माना कि पिछले कुछ समय से ये प्रैक्टिस गायब होती जा रही है, खासकर ऊंचे पदों पर बैठे लोग बेतुके बयान दे रहे हैं। कभी वित्त मंत्री कहती हैं कि प्याज महंगा होने का उन पर असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो प्याज नहीं खाती। कभी हमारे पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि सर्दी की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन तीरथ सिंह रावत को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे बयान ना दें। इतिहास उन्हें याद रखता है जो लीक से हट कर चलते हैं। क्या हो कि एक दिन हम जागे, हम सोकर उठें और तीरथ सिंह रावत का कोई तर्कसंगत बयान सुनने को मिल जाए। सोचिए हमें कितना अच्छा लगेगा। उस दिन कुछ मुहावरे बदल देने का ख्याल मन में आएगा, जैसे सूरज पश्चिम से उगाया या गंगा उल्टी बहने लगी। खैर ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन अभी जिन एक्सपर्ट्स को आपने सुना और जो आंकड़े आपके सामने पेश किए गए वो ये तो जरूर बताते हैं कि 20 बच्चे पैदा करना कोई खेल नहीं है, ना तो बच्चों और माँ के पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से और ना ही राशन वितरण प्रणाली के ढंग से काम करने के नजरिए से। अगर गरीब परिवारों को ठीक ठाक राशन नहीं मिल पा रहा है तो सरकारों को इसका बेहतर हल निकालना होगा। हमने उन्हें इसी काम के लिए सत्ता में बिठाया है, वे मानवीय और संवेदनशील तरीके से काम करें, ना कि मुख्यमंत्री लोग उल्टे सीधे बयान देते फिरें और फिर देश दुनिया में हंसी के पात्र बन जाए। और अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो वो ये भी जरूर जान लें कि महिलाएं ना ही किसी संस्कृति का लबादा ओढ़े घटिया पुरुषवादी सोच को आगे बढ़ाने का प्रोजेक्ट हैं कि आप उन्हें अपने ही हिसाब से कपड़े पहनाएं, और ना ही वे बच्चा पैदा करने की कोई मशीन है।